उज्जैन की शिप्रा नदी रामघाट पर कई पंडे पुजारी पूजा अर्चना करते। शासन प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों के तहत शासकीय कार्यक्रमों और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। पंडित पुजारी और उनके परिवार के सदस्य वर्षों से पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, पर सावन माह में पहले इन पंडे पुजारियों को प्रशासन के द्वारा पहचान पत्र बना कर दिए जाते थे और उन पहचान पत्रों के माध्यम से यह सवारी आगमन में व्यवस्थाओं को संभाल लेते थे, प्रशासन के द्वारा दिए हुए निर्देशों के तहत काम कर लेते थे। पर कई वर्षों से अब यह पंडे पुजारी परेशान हो रहे हैं। बाबा महाकाल की सवारी आगमन के दौरान इन्हें प्रमुख घाटों पर प्रवेश ही नहीं दिया जाता और व्यवस्था को संभालने के दौरान भी इन्हें बाहर कर दिया जाता है। पंडित पुजारियों ने सीएम हेल्पलाइन और जिला कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित में शिकायत की और समस्या बताई। पर के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं, घाटों पर व्यवस्थाओं को बनाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, क्या समस्याएं आती हैं बताइए, क्या हो रहा है? देखिए, श्रावण मास में बाबा महाकाल राजाधिराज की जो सवारी निकलती है महाकाल मंदिर से लेके रामघाट पर, रामघाट महाकाल पीढ़ी पर महाकाल की सवारी आती है। इसमें यहाँ पर हमको यह दिक्कत होती है कि 2012 से और पूर्वजों से यहाँ पर हमारे बाप दादा हैं बैठते आ रहे हैं रामघाट पर महाकाल पीढ़ी पर, और 2012 में भी मेरा पास इशू हुआ था। इस कारण हम शासन का भी सहयोग करते हैं, पुलिस का भी सहयोग करते हैं, और लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नए ड्यूटी करने वाले हमको महाकाल पीढ़ी पर जाने नहीं देते हैं। तो कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से भी निवेदन किया जाता है कि जो हम 5 पंडित यहाँ पर परंपरागत से यहाँ बैठते आ रहे हैं और महाकाल के पुजारियों का सहयोग करते हैं, यहाँ पर सब व्यवस्था, यहाँ पे पाटला वगैरह फूल लगाकर बाबा महाकाल की पालकी स्तर को सजाया जाए। अगर आपके पास बन जाएंगे और कार्ड, अगर शासकीय कार्ड है या पास हो जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी बात? हाँ, ये साक्षी कार्ड हमारा यहाँ पर बन जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अनुमति सब कार्ड टांग कर ही पालकी स्तर तक जा सकते हैं। आपने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो अधिकारी हैं जनप्रतिनिधियों को बताया नहीं आपने? बताया जनप्रतिनिधियों को भी हमने, अभी कोरोना काल में 2-3 वक्त पिछले साल भी हमने आवेदन दिया था और पिछले साल भी हमको यहाँ पे बैठने नहीं दिया, फिर साहब ने थोड़ा मदद करके यहाँ पे मौखिक हमको बैठा दिया था। अभी शिकायत कर दी आप लोगों ने? हम पुनः एक आवेदन देना चाहते हैं और ये आवेदन हम यहाँ पर शासन कलेक्टर साहब को। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।